मुहूर्त का समय है, बड़े प्रेम से बैठे कुछ देर और। धर्मपत्नी के बार बार जिद करने पर सुदामा अपने बचपन के यार, बचपन के मित्र, बचपन के दोस्त कन्हैया से मिलने को चला। मन तो नहीं था उसका, क्योंकि बड़ा स्वाभिमानी ब्राह्मण था, लेकिन धर्मपत्नी ने बार बार कहा कि तेरा यार, तेरा दोस्त द्वारकाधीश या राजा है, तुम जाओ, तुम्हारी दरिद्रता हमारी दूर हो जाएगी। सुदामा बड़ा विश्वास लेके कन्हैया के महलों के बाहर खड़ा और द्वारपालों से अनुनय विनय की के द्वारपालो भाई ये चाय बांटना बंद कर दो अभी, हेलो इसको बंद करो भैया, बंद करो बंद करो। सारे संसार में आप सारे विद्वान बैठे हो, जैसी दोस्ती मेरे श्याम ने निभाई उसकी किसी दुनिया के इतिहास में उसकी मिसाल नहीं। और मुझे ये बड़ा आशीर्वाद मिला कि लक्खा सिंह जी आपने इस भजन को गा के बाहर विदेशों में मैंने से बहुत गाया, आपने बताया कि दोस्ती कैसी होनी चाहिए। वैसे अमित भाई कहां है, वहीं से हाथ हिला दीजिए। दोस्ती कर तो एक रूह एक जान हो जा, क्या बात। दोस्ती कर एक रूह एक जान हो जा, या मुझे हिंदू कर दे या तू मुसलमान हो जाए। दोस्ती, दोस्त यानी ये अरबी का शब्द है दोस्त, दोस्त यानी दो हस्त दो हाथ। हमारी परंपरा के अनुसार भाई को दाहिना हाथ समझा जाता है, लेकिन दोस्त यानी दोनों हाथ। मेरे श्याम ने कैसी दोस्ती निभाई इसे सुनिए, पर इसमें मैं एक विशेष जयकार की मांग करूंगा जो बहुत कम लोग जयकार लगाते हैं, ये आपकी और भगवान की जयकार है। अब कोई हाथ नीचे ना रहे, हाँ भगवान बोलो, हाथ उठा, हाथ ऊपर, कन्हैया से कह दो, अरे द्वार
सुधा करीब आ गया है। कोई सिख ही बांध सकता है पगड़ी,
ये भारतीय शान है। ये उस समय की बात मैंने पढ़ा कि जब द्वारपाल अंदर गए तो भगवान ने पूछा कौन आया है, बोले एक भिखारी आया है प्रभु। भगवान ने पूछा कि उसकी वेशभूषा कैसी है, तो द्वारपालों ने सबसे पहली बात जो कही वो कही कि भगवान उसके सर पे तो पगड़ी ही नहीं है। ये उस समय की शान है हमारी। लेकिन जब उन्होंने कहा कि नाम है सुदामा, मेरे श्याम सिंहासन से नंगे पांव दौड़े और दूर से ही अपने भक्तों अपने मित्र को दंडवत किया, ये सुनते ही दौड़े इतिहास में नहीं। सारे हाथ ऊपर, सारे कोई न झुके, बोलिए भक्तों भगवान की दया पर में अपने सुदामा बिठाए, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे गली खुशी का समा तेरे गली है, खुशी का समा तेरे गली है। Oh, my God.